नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं लाइव 24 बुलेटिन। में आइए रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड का यूपी पुलिस से खुलासा कर दिया है। यूपी पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश सूरत में रची गई थी। यूपी के डीजीपी ने बताया कि इस वारदात में शामिल संदिग्धों से प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि हत्या की साजिश के पीछे मुख्य वजह कमलेश तिवारी का 2015 का भड़काऊ भाषण था। इसके साथ ही मिठाई का डिब्बा आरोपियों को दबोचने में मददगार साबित हुआ। डीजीपी ने कहा कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े हुई हत्या पर जिले के युवाओं में और संघ के लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते सैकड़ों युवाओं ने पैदल मार्च निकाला। इसके साथ ही संघ के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जिले की सड़कों और मुख्य चौराहों पर पार्टी के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। इसके साथ ही सरकार पर अनदेखी और लचर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होने जैसे संगीन आरोप भी लगाए। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू समाज पार्टी के माननीय कमलेश तिवारी जी का दोपहर में आज हत्या कर दी गई है। हिंदू छात्र संघ हिंदू समाज पार्टी आज हरदोई में हम लोग रैली निकाल रहे हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से ये हमें कहना है कि कम से कम उनको फांसी सजा दो और जल्द से जल्द दो, नहीं तो हिंदू छात्र संघ और हिंदू समाज पार्टी बहुत बड़ी और बहुत भयंकर पूरे प्रदेश में तोड़फोड़ आक्रोश रैली। कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां आगरा के सेंट जॉन चौराहे पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने कमलेश तिवारी के हत्यारों का बीच चौराहे पर पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु भी हिंदू महासभा संगठन से थे और कमलेश तिवारी भी हिंदू संगठन के वरिष्ठ हिंदूवादी नेता थे, जिनके घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, लगता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन सुरक्षित नहीं है, लिहाजा मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न घटे दोबारा उसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रौनक ठाकुर, जिला अध्यक्ष हिंदू महासभा आगरा। ये इस विषय में जलाया गया क्योंकि हमारे पूर्व प्रदेश हिंदू महासभा के जो थे कमलेश तिवारी जी, उनकी कल हत्या लखनऊ में कर दी गई है। तो प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है, देश में भी हिंदूवादी सरकार है। मैं योगी जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो आप आज सांसद या सांसद के बाद मुख्यमंत्री बने, आप याद कर लीजिएगा, आपके गुरुजी इसी हिंदू महासभा से सर्वप्रथम सांसद हुए थे। आप उनकी तो इज्जत रखिएगा। इस तरह से खुलेआम हिंदूवादियों का कत्ल किया जा रहा है। साथ ही मैं मोमबत्ती गैंग को भी बोलना चाहूँगा और अपने हिंदू समाज को भी जागरूक करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो आग के बदले आग और जान के बदले जान लेने का काम करते थे, लेकिन इस मोमबत्ती गैंग ने हमें एक मोमबत्ती थमा के हमें एक असुरता का प्रणाम दे दिया। हम हिंदूवादी सरकार से आह्वान करेंगे। और साथ खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के स्वर्गीय पिता रविंद्र किशोर शाही की 37वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और भोजपुरी गायक व अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ रहे। वही कार्यक्रम को देखने दूर दराज के गांवों से हजारों लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करने के पूर्व जनता की मांग पर निरहुआ ने देशभक्ति गीत गाकर सबका मन मोह लिया। वही कृषि मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपने सपा बसपा शासन देखा, सपा तो करते थे, बसपा जी बसपा नहीं करते थे, सपा जी। योगी जी के शासन में कोई गुंडागर्दी नहीं, न किसी की उसूली कुछ नहीं, इतना अच्छा सुशासन व्यवस्था है। आज तक हो सकता है कि योगी के शासन नहीं है। उत्तर प्रदेश के मऊ में अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। दरअसल तहसील कर्मियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके होटल और शॉपिंग मॉल खोल दिए। मामले का खुलासा होने पर जिलाधिकारी ने 25 लोगों पर FIR दर्ज कराने का काम किया है। वही जांच रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर आरोपियों ने सरकारी जमीन को अपने नाम करा लिया, बाद में उसे सरकार को देकर मुआवजा लिया। वही मुआवजा लेने के बाद जमीन को फिर अपने नाम करा लिया, इसके साथ ही उस भूमि पर अपना निर्माण भी करा लिया।
मोगा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत सीआईए स्टाफ मोगा को गुप्त सूचना मिली थी कि कपूरथला जेल में बंद एक व्यक्ति जो पाकिस्तान स्मगलरों के साथ मिलकर नशे की तस्करी करता था, उसी के आधार पर सीआईए खेतों में 800 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसके साथ ही पता लगा है कि व्यक्ति का परिवार भी स्मगलिंग करता है, जिसके बाद उसको रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। मुरादाबाद में दरोगा अभिनव देशवाल ने 10,000 रिश्वत की मांग की थी। वहीं आपको बता दें, दरोगा ने लोगों को तोड़फोड़ की घटना में शामिल होने और वीडियो में होने का खौफ दिखाकर रिश्वत की मांग की। वहीं लोगों ने दरोगा से परेशान होकर रिश्वत की बातचीत का वीडियो बनाकर शिकायत के साथ एसएसपी को सौंप दिया। वहीं एसएसपी ने वीडियो के आधार पर आदेश देकर आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित लोगों का कहना है कि दरोगा अभिनव देशवाल ने कावड़ के दौरान हुए तोड़फोड़ के मुकदमे में नाम होने और वीडियो में होने का डर दिखाया था, जिसके बाद लोगों से रिश्वत के नाम पर 10,000 की मांग की जा रही थी और ना देने पर जेल भेजने की धमकी दी गई थी। पीलीभीत में अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पर मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की। वही छापेमारी के दौरान मौके से अवैध पटाखे व कच्चे माल सहित बड़ी मात्रा में बारूद पटाखों सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिवाली को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। हाँ, ये उच्च अधिकारियों शासन के निर्देश पर, चूंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्र अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपनी चेकिंग वगैरह करते रहें। इस चेकिंग के क्रम में बीसलपुर में एक सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ने रेड की और उसमें अवैध तरीके से आतिशबाजी बनाते हुए गिरफ्तारी की गई है और कुछ आतिशबाजी भी बरामद की गई है। बाकी छानबीन इसमें जारी है। अभियान और चलेगा अभी आगे? हाँ, ये चलता रहेगा। बांदा में दबंगों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान दिव्यांगों ने चौकी इंचार्ज का पुतला फूंका। पीड़ित विकलांग का कहना है कि बीते कई दिनों से गांव के दबंग पीड़ित की मां और पीड़ित के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित का कहना है कि शिकायत करने के बाद चौकी इंचार्ज ने उल्टा पीड़ित को डरा धमका कर वापस भेज दिया, जिसके चलते दिव्यांग बांदा ने अशोक लाट चौराहे पर 3 दिन तक अनशन पर बैठा, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई अधिकारी इनकी सुनने नहीं आया। एक दिव्यांग 4 दिन से न्याय के लिए गुहार मार रहा है और अमरण अनशन पर बैठा हुआ है। 4 दिन से यहाँ पे कोई भी सरकारी नुमाइंदा देखने तक नहीं आया है। इतनी संवेदनशील अधिकारी हो गए हैं कि आप कोई मर रहा है, जी रहा है, किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की जा रही। इसी को लेकर के हम आज चौकी इंचार्ज का पुतला फूंकने जा रहे हैं, ताकि शासन व प्रशासन को थोड़ी सी कान में जुड़ेंगे और वो इस दिव्यांग की तरफ देखें कि किस दशा में लेटा हुआ है और इसको न्याय दिलाने लायक है कि नहीं है। इंचार्ज पपरेना चौकी इंचार्ज का पुतला है, जिसको हम आज फूंकने जा रहे हैं। दीपावली त्योहार में जहर घोलने के लिए मिलावटखोर माफिया सक्रिय हो गए हैं। पिकअप वाहन से भारी मात्रा में नकली मिठाई को कानपुर से गोंडा ले जाया जा रहा था। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पकड़ा, जिसमें नकली सोन पापड़ी, मिल्क केक, बूंदी सहित 20 क्विंटल सामग्री बरामद की गई है। आपको बता दें, एमएस शारदा इंटरप्राइज फर्म कानपुर से श्री बालाजी के धार्मिक नाम का उपयोग कर जहरीली मिठाई भेजी जा रही थी। हरदोई के डीएम निरीक्षण के दौरान जगह जगह कूड़ा देखकर नाराज हो गए और खुद ही कूड़ा बीनने लगे। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के सभी ऑफिसों के बाहर लगे कूड़े के ढेरों को कार्यालय के कर्मचारियों से उठवाया। वहीं डीएम को कूड़ा बीनते देख एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट समेत अन्य अधिकारी भी कूड़ा बीनने लगे। वही वकीलों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन में ऑफिस के बाहर कूड़ेदान रखे जाएं और किसी भी हालत में कूड़ा बाहर न दिखे। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार में सवार 5 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें 8 वाहनों के साथ 2 कटे हुए इंजन हाईवे के पास से बरामद किए। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक एमपी वर्मा ने 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। ये जनपद उन्नाव पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली और सर्विलांस टीम ने काफ़ी प्रयास किया और बहुत अच्छे गैंग को पकड़ा है। इसमें 4-5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 4 अभी फरार हैं। इसमें 8 4 पहिया वाहन बरामद हुए हैं, 2 कटे हुए वाहन बरामद हुए हैं।
इस प्रकार बहुत अच्छी कामयाबी है। ये बेसिकली बहुत एक्टिव गैंग है, ये गाड़ियों को डिमांड पे चोरी कर लेता है और उसको बेच देता है, और फिर किसी को पार्ट्स चाहिए तो गाड़ियों को फिर उसको बेच के पार्ट्स काट देता है और पार्ट की बिक्री करता है। इस प्रकार से ये लोग मिले हुए हैं यहाँ से लेके कानपुर तक, इनके काफ़ी दूर तक ये काम करते हैं। और अभी 4 फरार हैं, इसमें से गिरफ्तारी का प्रयास लगा। महोबा शहर के रामकुंड में रहने वाले 34 साल के भवानी दीन ने बिजली और पानी की बर्बादी रोकने के लिए 2 उपकरण बनाए हैं। मोबाइल के सहारे चलने वाले ये उपकरण पानी और बिजली के लिए काफी कारगर भी है। इनमें खास बात यह है कि फोन का नंबर डायल करने से ये उपकरण बिजली से संचालित किसी भी यंत्र को बंद या चालू कर देते हैं। इन उपकरण के उपयोग में ना तो करंट लगने का खतरा है ना ही जान का। स्कूल में 8वीं तक पढ़े भवानी दीन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 300 से अधिक पत्र लिखे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं आया। बस बल्ले से बने मकान में जिंदगी गुजारने पर वो मजबूर हैं, और समय पर अगर उन्हें सरकारी मदद मिल जाती तो आज वो इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं बल्कि 1000 बेरोजगारों को रोजगार भी दे चुके होते। जैसे मैंने कभी न्यूज में किसी को देखा है किसी लड़के ने कोई एक इंस्ट्रूमेंट नया बनाया तो गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज्यादा आर्थिक मदद दी और वो सम्मानित किया और उसको सब अपने पास से मतलब हर तरीके की मदद दी। लेकिन सर मैंने पूरी कोशिश और भी मुझे बहुत सारे आविष्कार अभी करने थे, मनी प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने अब आविष्कार करना भी अब मेरी इच्छा डाउन हो गई है, क्योंकि और मुझे बहुत अभी एक जनरेटर में बनाने वाला था, बिना बिजली पानी तेल कुछ नहीं लगेगा, वो ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये सरकारी कोई अभी आपने सहायता के लिए डिमांड करी कि इस तरीके का आविष्कार किया और हमें इस तरीके से सहायता मिल जाए तो हम और अच्छा काम कर सकते हैं? जी मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली बैंकों में फाइनेंस के लिए और प्रधानमंत्री जी की। हापुड़ से दहेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां दहेज लोभियों पर दहेज की मांग को लेकर महिला की हत्या का आरोप लगा है। महिला के परिजनों का कहना है कि महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। वहीं परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई की जगह लाठियां बरसाने का भी आरोप लगाया, जबकि DSP राजेश सिंह का कहना है कि उन पर कोई बल नहीं प्रयोग किया गया है बल्कि उन्हें वहां से खदेड़ा गया है। मेरी बहन के साथ उसके ससुराल वालों ने बहुत अच्छे अत्याचार करे, 6 साल से उसे बहुत बुरी तरह से परेशान करके रख रखा, दहेज की मांग कर रहे हैं, 5.5 लाख रुपए और एक लड़की होने के बाद चोचक की मांग की जा रही है, और ना जाने कैसे कैसे माइंडली डिस्टर्ब कर दिया, बिल्कुल पागल कर दिया उसे, और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, लीवर फेल कर दिया। जब आपने यहाँ जाम लगाया हुआ था तो यहाँ पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? यहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं की है, और लाके चार्ज किया, पुलिस वालों को पैसे दिए गए हैं और पैसे खाकर पुलिस वाले भी पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमारी ना चली उसमें, मेरी भतीजी को नहीं खाना दिया ना पीना, बेटी हुई थी हॉस्पिटल में, चिठानी लेके गई थी, मेरी बच्ची का ध्यान रखना, पैसे मांगते बताओ 2.5 लाख रुपए एक बार मांगा, मैंने कहा ऊपर नहीं हो पाएगा, फिर 5 लाख की मांग करी, मेरे जेठ बीमार रहते हैं। पुलिस में इसकी आपने शिकायत पहले दर्ज कराई थी कभी? 1 महीने पहले करवाई थी। फिर पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की? थाना देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी लड़की की शादी मेरठ में हुई थी और पिछले 1 साल से इनका अनबन अपना आपस में रहा होगा, तो जिसको लेकर के लड़की ससुराल से अपने मायके आ गई थी और मायके में ही लगभग 3-4 महीने में से रह रही थी। आज वो कुछ पिछले दिनों से कुछ तबीयत उसकी ख़राब हुई, जिसको लेकर के ये दिल्ली तक दिखाए और आज उसकी डेथ हो गई थी। उसकी बाटी लेकर के यहाँ आ गए और सड़क पर रख के आरोप लगाने लगे कि ससुराल पक्ष के ऊपर कि उन्होंने इसको मार डाला, और हम पुलिस पहुंची मौके पर, भीड़ को हटाया और PM के लिए बॉडी को भेज दिया गया, जो भी है आवश्यक। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया है? भीड़ हटाने के लिए बल नहीं प्रयोग किया गया, भीड़ को हटाया गया, खदेड़ा गया है। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल में SUCI ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 24 अक्टूबर 2019 को SUCI कम्युनिस्ट पार्टी चांडिल अनुमंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं SUCI की मांग है कि चांडिल अनुमंडल को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, पूर्ण शराबबंदी लागू हो, डैम का पानी से पूरे अनुमंडल में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो और अनुमंडल क्षेत्र में बंद पड़े कारखानों को फिर से खोला जाए आदि मांगों को लेकर चांडिल अनुमंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। और इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए SUCI के पदाधिकारियों ने जगह जगह जाकर धरने का प्रचार प्रसार भी किया।
आगामी 24 अक्टूबर को चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष विभिन्न समस्याओं को लेकर के आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें आज जिसके लिए आज हम लोग प्रचार अभियान में निकले हैं, पोष संग्रह अभियान में निकले हैं। चंडील अनुमंडल अभी इतना एकदम खेतीय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। ब्लॉक टुकड़ू ब्लॉक लेवल का मैंने हॉस्पिटल जो होना चाहिए था ब्लॉक बन गया, लेकिन ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैंने नहीं है, तो स्वास्थ्य केंद्र का हम लोगों का डिमांड है। खेती के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, बगल में डैम है लेकिन यहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों का डिमांड है कि डैम का पानी से यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के बलिया में ऐतिहासिक रामलीला का मंजन कमेटी के द्वारा करीब 150 सालों से किया जाने वाला ब्रह्म स्थान में भगवान राम का रासलीला का मंजन किया गया, जिसमें मर्यादा राम की मर्यादा का की धज्जियां उड़ाई गई, हिंदू संस्कृति को गलत तरीके से पेश किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जोरदार तरीके से डीजे बजाकर बाल बालाओं को अश्लील नृत्य देखने को मिला। वही कमेटी में मजे में इतना डूब गई कि उसे पता तक नहीं चला कि यह रामलीला है ना कि रासलीला। ऐतिहासिक श्री रामलीला मंचन कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नगर पालिका चेयरमैन श्री वशिष्ठ नारायण सोनी जी, श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जायसवाल जी, श्री संजय जायसवाल जी, श्री प्रदीप जायसवाल जी, श्री श्री रोगी सोनी जी एवं समस्त सम्मानित जनता जनार्दन, आप सभी कमेटी के सदस्यों के साथ साथ सम्मानित जनता जनार्दन को मैं प्रभु श्री रामलीला मंचन कार्यक्रम एवं आगामी दीपावली उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शहर में संचालित जुए के अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर मारे जाने वाले छापे के दौरान 50,000 की नकदी भी बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस 4 अन्य स्थानों पर संचालित जुए की फड़ पर छापेमारी कर जुआरियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज मुखबिर की सूचना पर रहलिया ग्राम के अंतर्गत एक खेत में अहरा के खेत में जुआ चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर हमारी टीम चौकिंजा भट्टीपुरा, SI मोबिन अली, SI सुजीत कुमार और कोबरा मोबाइल सब लोगों ने मिलकर 2 टीमें बनाकर वहाँ दबिशी को चारों तरफ से घेराबंदी की गई। उसमें से हम लोगों ने 12 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया और लगभग 50,000 रुपये बरामद हुआ है, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें हैं और 12 मोबाइल। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव 24 के साथ।